गोविंदपुर के जीटी रोड में 23 नवंबर को गैस टैंकर चालक अनवर अब्दुल शेख बादशाह अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। इस गिरफ्तारी पर धनबाद एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में एक टीम का गठन किया गया था। टीम को संदिग्ध अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें मोहम्मद वसीर, मोहम्मद ताहिर अंसारी, अरमान अंसारी, अब्दुल रशीद उर्फ डब्लू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चारों ने इस कांड में संलिप्त 6 लोगों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने बताया कि लूट के नियत से इस घटना को अंजाम दिया गया था। तलाशी में उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार, वाहन और अन्य सामग्री बरामद किया गया। शेष अपराधियों की तलाश पूरी कर रही है। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, मृतक का कीपैड मोबाइल, चालक का अनुगप्ति बरामद किया गया था। इनमें मोहम्मद वसीर और अब्दुल रशीद का आपराधिक इतिहास रहा है। एक टैंकर का ड्राइवर जो है वो, उसकी हत्या की गई थी, उसकी लाश हम लोगों को मिली थी। एक बड़ा ही ब्लाइंड केस था जिसमें कोई भी एविडेंस तत्काल भी नहीं था और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें हमारी जो टीम है डीएसपी हेडक्वार्टर और लोकल हमारे एसएचओ जो इंस्पेक्टर हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम बनाई थी। टीम ने काम करते हुए सभी साक्षियों को एक साक्ष को दूसरे साक्ष से बुनते हुए हम लोग अपराधकर्मी तक पहुंच पाए और कुल 4 अपराधकर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। जो ये 4 अपराधकर्मी हैं, मोहम्मद बशीर अंसारी, मोहम्मद ताहिर अंसारी, अरमान अंसारी और अब्दुल रशीद, 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने जो घटना में कारित हमारा पिस्टल था, जो इन्होंने जो पिस्टल को यूज़ किया था, वो पिस्टल भी हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 जिंदा कारतूस, 1 मृतक का जो कीपैड मोबाइल था वो भी बरामद हुआ, जो मृतक का मोबाइल ये लोग ले गए थे, और उसकी जो चालक अनुव्यक्ति थी जिसको वो लोग अपने साथ ले गए थे वो भी बरामद हुआ है। 1 पैन कार्ड मृतक का, और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है एक, और एक बुलेट मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल इन लोगों, 2 मोटरसाइकिल में अपराधकर्मी आए थे, दोनों बरामद कर लिए गए हैं। और अभियुक्त के जो 3 मोबाइल फ़ोन हैं वो तीनों हम लोगों ने बरामद किए हैं। इसमें लूटपाट की उद्देश्य से ये सभी क्रिमिनल्स आए थे। ये लोग अकेला गाड़ी में ड्राइवर पाकर इन लोगों ने कोशिश किया कि इनसे जो भी इसके पास पैसा वो लूट लिया जाए। जब ड्राइवर ने हल्का सा विरोध किया तो इनके द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें ड्राइवर की मृत्यु हो गई। इससे पहले भी लोग क्या घटना को अंजाम दे चुका है सर? हम लोग इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी कल ही इनकी गिरफ्तारी हुई है, सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं कि उस इलाके में जितने भी अनसॉल्व्ड लूट केसेस हैं सारे केसेस को इनके अन्य साक्ष्यों के साथ हम लोग जोड़ करके देखेंगे, और कहीं भी अगर इनकी संलिप्तता नजर आएगी तो इनको उस केसेस में भी रिमांड हम लोग करेंगे। दूसरा